देखिए दोस्तों, हमें पंच फोरन लिए हैं, ऊपर से डाले हैं ये तीन चार लाल मिर्च। पंच फोरन आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ये मूंगफली दाना। देखिए हल्का सा मूंगफली को भून लेंगे और यहीं पे हम पंच फोरन डाल देंगे। आलू को दरदरा मैश करेंगे। जैसे ही हमारा तड़का भून जाए हम आलू डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। यहीं पे हम भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं एक चम्मच। इस तरीके से आप समोसे का फिलिंग बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। अब आलूओं को हमें अच्छे से मैश करते हुए इस तरीके से भुनना है, कम से कम 5 से 7 मिनट तक। देखिए जो हमारा मिश्रण है बहुत अच्छा भून गया है और अब हम यहीं पे चूल्हे पे छोड़ देंगे, ये सोना जाएगा। और तब तक हम मैदा रेडी कर लेते हैं समोसे के लिए। आलू हमारा भून गया है, देखिए बहुत अच्छा नीचे से लग रहा है। तो अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे और आलू का मिश्रण को ठंडा करेंगे। हम निकाल के प्लेट में रख लेते हैं कि जल्दी ठंडा हो जाएगा। और इधर हमारा मैदा भी भुन गया है, इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। इसमें हम अजवाइन इस तरीके से हाथों से मसल के तब डालेंगे। ये हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं, 4 चम्मच या 5 चम्मच आप डाल सकते हैं। अच्छे से मोयन को हाथों से मिक्स करेंगे, इस तरीके से दोनों हाथों से मिक्स करें। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। मोयन अच्छा हुआ कि नहीं पता करेंगे तो इस तरीके से आप मुट्ठी बांधेंगे तो मुट्ठी बन जाएगा। ये देखिए तो ये कंप्लीट है। अभी से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त गून लेते हैं। कोशिश कीजिएगा कि सख्त हो, नरम होगा तो समोसा खास्ता नहीं बनेगा। इधर हमारा मैदा भी गुन गया है, इसे हम 5 मिनट के लिए इस तरह के पानी लगा के हल्का सा रेस्ट पे रख देते हैं। कढ़ाई में हम सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं या दोनों ही मिक्स करके डालते हैं तो बहुत ही अच्छा समोसा बनता है। तो मैं सरसों भी मिक्स कर दे रही हूँ। तो देखिए हमारा मैदा सेट हो गया है, तो हम इसका पेंदा काट लेते हैं। लोई को चिकना कर करके इस तरीके से रखते जाएंगे। ये देखिए सारा हम पेंदा काट चुके हैं और लोई चिकना कर ले रहे हैं। और इसे बेलना कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखिए थोड़ा सा सूखा मैदा लगाते हुए इसे बेल लीजिए, थोड़ा दबा के बेलिएगा। इसमें थोड़ा बल की जरूरत पड़ता है क्योंकि मैदा टाइट है और तभी जाके आपका समोसा खास्ता बनेगा। इस तरीके से बेलने के बाद में इसे आप गोल बना सकते हैं, थोड़ा सा लंबा शेप में बना सकते हैं, आपकी मर्जी। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे कि इस बीच बीच मोड़ लेके देख लेंगे कहाँ पे निशान आ रहा है। देखिए यहाँ पे निशान आ रहा है। अब हमें इस तरीके से चाकू से इसे काट देना है। अब काट काट के और सारा हमें ऐसी बेल बेल के तैयार करना है। एक हम उठाएंगे और उसके बाद देखिए हम पानी लिए हैं, पानी हाथों में लगाते हुए यहाँ हम किनारों पे लगा देंगे। लगाने के बाद इसे हम इस तरीके से जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद इसे देखिए यहाँ से हमें अच्छा से बंद करना होता है कि समोसा खुले ना। उसके बाद कोन बन गया और इधर हमारा आलू ठंडा हो चुका है।
तो हम डाल देंगे आलू। आलू जितना ज़्यादा डालिएगा उतना ही अच्छा समोसा खाने में लगेगा। आलू डाल के थोड़ा सा अंदर कर दीजिए, उसके बाद किनारों में पानी लगाइए और उसके बाद आप इस तरीके से इसे दबा दीजिए। और ध्यान रखिएगा जो ये आलू है बाहर ना रहे, नहीं तो तेल पी लेगा समोसा। और इस तरीके से फिर स्टैंड दे दीजिए, ये देखिए इस तरीके से स्टैंड दे दीजिए और आपका समोसा बनके तैयार हो जाएगा। देखिए इसे बनाना कितना आसान है। किनारों में पानी लगाएं, यहाँ से लॉक कर दें और फिर यहाँ से बंद कर दें और इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं समोसा को, इस तरीके से खींच के। और उसके बाद इसमें आलू डालें, पानी लगाएं किनारों पे, मिश्रण को दबाते हुए नीचे, उसके बाद लॉक कर दें। और यहाँ पे हमें हथेलियों से इसे स्टैंड देना है। देखिए दोस्तों हमारा समोसा बन के तैयार हो गया। अब इसे तल लेते हैं। समोसा तलने के लिए नॉर्मल गरम तेल चाहिए, तो देखिए नॉर्मल गरम तेल है, हम इसमें डालते हैं। ज़्यादा हाई फ्लेम पे तेल को गरम नहीं करना है। चूल्हे की आँच देखिए हमारा धीमी धीमी जल रहा है, और जितना एक बार में कढ़ाई में आए उतना ही हम समोसा डालेंगे। तो ये जो समोसा है हमारा दो चक्कर में आएगा। तो देखिए दोस्तों इतना मैदा बच गया है, तो इसको आप फेंके ना। आप क्या करें कि छोटा छोटा काट के इसका मट्ठी बना लें। मैं आपको मट्ठी बनाना भी सिखा देती हूँ। तो हम काट काट के और रख लेते हैं। तो ये आपके काम में आ जाएगा। मट्ठी भी आप नाश्ता करने के लिए बना लेंगे। तो मट्ठी बेलना कैसे है मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से आप लोई को लें, चपटा करें, एक बेलन बेलें और इस तरीके से इसे फोल्ड कर दें। जैसे कि हम पराठे बनाते हैं सेम हमें दो बार फोल्ड करना है। इससे क्या होगा कि आपका मट्ठी बहुत ही खास्ता होगा। इसके बाद आप बेल दें। इसमें आप कट भी लगा सकते हैं और बिना कट लगाए भी तल सकते हैं। तो एक मट्ठी हमारा रेडी हो गया। इस तरीके से हम मट्ठी रेडी कर लेते हैं। एक बार हम समोसे को इस तरीके से हिला लेंगे और चेक भी कर लेंगे कि एक साइड से तल रहा कि नहीं। देखिए बहुत अच्छा तल रहा समोसा। तो इसे पलट भी देंगे। देखिए एक भी बबल नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छा समोसा बन रहा है। तो आपको इसे पूरे टाइम धीमी आंच पे ही तलना है। तो इसमें आपको एक भी बबल, जैसे कि इसमें फुंसी फुंसी हो जाता है ना, बबल वो नहीं आएगा। जिधर से आपको लगे कि समोसा कच्चा है उधर पलट दीजिए। अलट पलट के अच्छा से इसे क्रिस्पी होने तक पकाइए। देखिए दोस्तों समोसा हमारा तलके तैयार हो गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं और दोबारा से हम इसी तरीके से दूसरा समोसा डाल के तल लेंगे। देखिए दोस्तों समोसा तो तैयार हो गया है। अब हम चटनी भी पीस लेते हैं। ये धनिया टमाटर लहसुन मिर्ची की चटनी है। इसका रेसिपी हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप उसे भी देखें। और धनिया टमाटर का चटनी खाएं समोसे के साथ, मज़ा आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा समोसा बन के तैयार हो गया है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कैसा बना है समोसा। ये देखिए बहुत ही खास्ता है, इसका लेयर जो है बहुत खास्ता है। देखिए इस तरीके से समोसा बनाइए, खाइए और हमें बताइएगा कैसा बना आपका समोसा। तो मैं तो जा रही हूँ अपने पूरे फैमिली के साथ खाने। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके का गांव का वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें अनीता जी के किचन के साथ।